नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम। आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश में एक तरफा जीत के बावजूद बीजेपी में सीएम फेस तय नहीं है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। कांग्रेस में चुनाव से पहले के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार गए हैं। अब फिर कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी किसे मिलेगी, ये सवाल मुंह बाए खड़ा हो गया है। कांग्रेस को इस सवाल का जवाब खोजने में दिक्कत इसलिए भी हो रही है क्योंकि उसके सारे दिग्गज नेता चुनाव हार चुके हैं। अगर कमलनाथ खुद इस कुर्सी पर नहीं बैठते तो फिर कौन होगा नेता प्रतिपक्ष? आइए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की इस खास रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की रेस में जो दावेदार हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है कमलनाथ का। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी हैं और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ के बाद नाम आता है अजय सिंह का, जो नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है रामनिवास रावत का, जो वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं विधानसभा के। इसके बाद नाम आता है बाला बच्चन का, वरिष्ठ आदिवासी विधायक हैं और ये भी पूर्व प्रभारी नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके अलावा उप नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है जयवर्धन सिंह का। जयवर्धन सिंह तीसरी बार के विधायक हैं, युवा नेता हैं, इसलिए इनके चांसेस भी बनते हैं। अब नजर डालते हैं उन नेताओं पर जो चुनाव हार गए हैं। तो इनमें जैसा हमने पहले आपको बताया, डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा केपी सिंह का काजू भी चुनाव हार गए हैं। लक्ष्मण सिंह, जीतू पटवारी, तरुण भनोट, सुखदेव पानसे, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधव, पीसी शर्मा, हुकुम सिंह कराड़ा, कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, लाखन सिंह यादव, एनपी प्रजापति और कुणाल चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। हालांकि कमलनाथ ने हार स्वीकार करते हुए ये बयान जरूर दिया है कि उन्हें पहले भी प्रदेश के लोगों पर भरोसा था और अब भी भरोसा बरकरार है। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी को, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। अब इस बयान से क्या ये माना जाए कि अभी भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ ही खास रोल में रहेंगे? खैर, इस सवाल का जवाब भी जल्दी ही मिल जाएगा। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ।